नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। हम बीजेपी की रैली में आए हुए हैं। बीजेपी की रैली में? हाँ जी हाँ। तो कौन से विधायक है? अजय सिंह। यहाँ पर तो आमतौर से शायद सभी विधायक आए बस्ती जिला के, कौन पता। तो ये बताइए, इनका कार्यकाल क्या? बहुत अच्छा रहा है, बहुत फर्स्ट क्लास काम हुआ है। दुनिया भर की सड़कें बनी हुई हैं, हमारे पूर्वजों की स्मृति में स्मृति द्वार बने हुए हैं हर जगह। तो काम फर्स्ट क्लास का हुआ है। बताइए सपा को क्या वगैरह का कोई स्थान यहाँ नहीं है, और बसपा का नहीं, किसी का भी नहीं। तो यहाँ पे जो है बीजेपी फिर से लाने चाहते हैं। आ रही है, लाना चाहे ना, हमारे से क्या है, दुनिया ला रही है, सब ला रहे हैं। योगी सरकार फिर से बनाना चाहते हैं। योगी सरकार बनेगी, कल को मोदी सरकार भी बनने वाली है। तो अब ये समझ लीजिए कि बिगुल बजा हुआ है। तो अजय सिंह यहाँ के हरिया विधानसभा 307 विधायक है, 1% बिल्कुल बनना है, बनना है, कोई संकोच शंका कुछ भी नहीं है। तो यानी अभी कंफर्म है इनका भी? हाँ बिल्कुल, हाँ एकदम। लोग कह रहे हैं कि थोड़ा इनका गलत फहमी है अब की बार। देखिए, लोगों की आकांक्षाएं बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, सबकी पूर्ति नहीं होती है। और वास्तविकता यह है कि भाजपा व्यक्ति विशेष के लिए काम ही नहीं करती है, सर्व समाज के लिए काम करती है, सबके लिए काम करती है। और यहाँ वही काम हुआ है, सबके लिए काम हुआ, पूरे समाज के लिए काम हुआ है। न जात विशेष का मतलब है, कोई जात पात इसमें है ही नहीं भाजपा में। तो अच्छा काम किया है ना? हाँ बिल्कुल अच्छा काम किया है। लेकिन किसान जो परेशान है पशु से, आवारा पशु से। पशु छोड़ा किसने? हाँ तो ये कह रहे हैं कि पशु तो हम ही किसानों ने छोड़ा भैया। तो और एक गांव में 10 पशु है तो 50 किसान है, क्यों नहीं बांध लेते? विपक्षी लोग का कहना है कि विपक्षी लोगों ने ही छोड़ा है कहने के लिए, तो पक्ष वालों ने छोड़ा ही नहीं है। तो अभी एक दादाजी आ रहे थे, दादाजी हाँ उन्होंने सुनिए। तो हमने पूछा उनसे कि आप किसको वोटिंग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमका रैली किसका है, कह नहीं, ये राजकिशोर कर रैली में जा रहे हैं और ये जो हमको 101 रुपया मिला है। 101 रुपया मिला है? यहाँ पर नहीं मिलता भैया, हम अपने तेल पानी खर्च करके आए हुए हैं। बाबू जी आपका सुन रहा हूँ, विवेक दुबे। तो आप किसके रैली में आए? अमित शाह जी के रैली में आए हैं, अजय सिंह के रैली में आए हैं। तो आपका सोच क्या है कि आप किसकी पार्टी में? भाजपा के पार्टी में वोट करेंगे। और सपा के? सपा के पार्टी में क्यों वोट करें? सपा के पार्टी में वोट करना गौ हत्या के बराबर है। तो आप ये जानते हैं कि सपा जो है ठीक पार्टी है कि बुरा पार्टी है? बुरा पार्टी है सपा। तो अगर आप जो है जैसे कांग्रेस है, बसपा है, तो बसपा के बारे में क्या कहेंगे? बसपा भी ठीक है, लेकिन ये देखिए बसपा अपने हिसाब में सही है, लेकिन ममता क्या नाम है, मायावती जी भी भाजपा की सपोर्ट कर रही है। बहन जी जो कर रही है सपोर्ट, वो बीजेपी के पक्ष में है। कहाँ तो बीजेपी के पक्ष में है, तो वो भी सही है, सही है। तो आप ये बताइएगा कि जब यहाँ पे आज अभी साग का प्रोग्राम है, तो गृह मंत्री हैं, तो अभी ये आ रहे हैं, आ गए? हाँ तो आ गए हैं ना। तो इन्हीं के इंतजार में आप लोग हैं? जी हाँ, हम इन्हीं के इंतजार में है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो यहाँ पर हमारे यहाँ के जनता जनार्दन के मन की बात जाना, और गृह मंत्री यानी अमित शाह जी अभी पधार रहे हैं और थोड़ी ही देर में उनको आगमन होने वाला है, यहाँ जनसभा होने वाला है हरिया विधानसभा 307 में। ये स्कूल है, स्कूल में जो है पंडाल बना हुआ है, उसमें अभी 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 आने वाले हैं। देखिएगा, नेशनल इंटर कॉलेज है, नेशनल इंटर कॉलेज हरिया, ये अभी जो है जनपद बस्ती में लगता है, और अभी 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 पधार रहे हैं, देखिएगा जो है।